इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदमा। बेलगाम शहर और अतराफ में चुनावी इजलासों का दौर जारी है। खासकर कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकीहोली का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी खिताब रहा। खासकर वंटमुरी, अंबेडकर भवन, मानतेश नगर, श्रीनगर, कोर्ट कंपाउंड, रुक्मिनी नगर, अंबेडकर नगर, आजम नगर और मुत्यानगर, लिहाजा अवाम की जानिब से भरपूर हिमायत हासिल रही। वही दूसरी ओर भाजपा की उम्मीदवार मंगला अंगड़ी की जानिब से भी अवामी इजलासों में शिरकत फरमाई। खासकर गोकाक में उन्होंने अवामी इजलासों में शिरकत फरमाकर अवाम से खिताब फरमाया और भाजपा को जिताने की गुजारिश फरमाई। बेलगाम शहर और त्राब में सतीश जारकीहोली को भरपूर हिमायत हासिल हुई और पहली मर्तबा कांग्रेस उम्मीदवार को जिताकर दिल्ली मरकज तक आवाज को पहुंचाने का मौका देने की बात कही गई। आवाम इजलासों में कांग्रेस के मशहूर हस्तियों ने शिरकत फरमाई, जिसमें वीर कुमार पाटिल, साबिक वजीर आरिफ देश पांडे, एमएलए ग्रामीण बेलगाम से मोहतरमा लक्ष्मी हेबाड़कर, एमएलए खानापुर से अंजलि निंबाड़कर, साबिक एमएलए बेलगाम नॉर्थ जनाब फिरोज सेठ साहब, बेलगाम शहर कांग्रेस सदर आसिफ राजू सेठ और दिगर जिम्मेदार हजरात इसमें शरीक रहे। आजम नगर में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत फरमाई। इस वक्त बतौर मेहमानान जमात के जिम्मेदार हजरात भी शरीक रहे। इस वक्त सामाजिक खिदमतगार जनाब एजाज खान ने कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकीहोली को जिताने के लिए भरपूर वोटिंग का मुतालबा आवाम से किया। साबिक एमएलए जनाब फिरोज सेठ ने मुल्क की सियासत किस कदर बदल रही है बताते हुए मुल्क को सही दिशा देने के लिए कांग्रेस को फिर से इख्तदार पर लाने की बात कही। उन्होंने भाजपा पर तंज करते हुए कहा कि भाजपा से अवाम उग चुकी है। अवाम ने अच्छे दिनों की उम्मीद पर भाजपा और मोदी को जिताया, पर अफसोस के मायूसी हाथ लगी। लिहाजा आज मुल्क का हर फर्द परेशान है। पेट्रोल, डीजल, गैस, तमाम चीजों के दाम आसमान छू रहे। गरीब का जीना दुश्वार हो चुका है। लिहाजा फिर से अवाम में बेहतर दिनों की ख्वाहिश और तमन्ना रखते हो तो कांग्रेस का एक सतीश जारकीहोली को जिताना जरूरी है, ताकि अवाम की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने वाली आवाज बन जाए। बेलगाम शहर कांग्रेस और सदर अंजुमन बेलगाम ने सतीश जारकीहोली की शख्सियत पर बात करते हुए कहा कि सतीश जारकीहोली वो ऐसे शख्स है जिनकी मकबूलियत तमाम समाज के लोगों में और मजाहिब में उन्हें हर समाज के लोग चाहते। सुरेश अंगड़ी की मौत के बाद अचानक जमीनी इंतखाबात का मौका हासिल हुआ, जिसमें हमें लोकसभा चुनाव को अंजाम देना जरूरी है। बहरहाल सतीश जारकीहोली की आवाज को दिल्ली में पहुंचाना जरूरी है। इजलास के मेहमान खुसूसी और कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकीहोली ने भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा मुल्क भुगत रहा है। पिछले 20 सालों से माशरे के मुख्तलिफ समाज के लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करते आए, क्योंकि पिछले कई सालों से वो यमकन मंडी हल्के के वो एमएलए हैं और अभी भी मौजूद हैं। हमारे खिदमात आप सभी ने देखे हैं, ऐसा भी उन्होंने बार बार कहा लिया। पिछले 4 चुनाव में भाजपा को जिता कर दिया, जिसके नतीजे आप देख रहे हैं। लिहाजा इस बार एक मौका कांग्रेस को भी दे। सभी ने देखा है कि कांग्रेस का दौर और भाजपा का दौर कैसा रहा। इस चुनाव में कसीर वोटों से जिताने की कोशिश करें। इसी तरह अंबेडकर नगर, वंटमुरी, कोर्ट में भी वकीलों से दौरान गुफ्तगु जनाब फिरोज सेठ, लक्ष्मी हेबाड़कर, अंजलि निंबाड़कर और सतीश जारकीहोली ने भारत के मौजूदा हालात पर अपने हालात का इजहार किया और वकीलों से मुखातिब होकर कहा कि क्या आप भारत में जिस तरह का माहौल बनता दिख रहा है, जो मौजूदा भारत के हालात है, क्या यह ठीक है? नफरत, जुल्म, ज्यादती, महंगाई, बेरोजगारी, आखिर किस दिशा में भारत को ले जाना चाहते हैं? अगर वाकई आपको तब्दीली चाहिए और सही मायनों में अच्छे दिन दरकरार है तो कांग्रेस के उम्मीदवार सतीश जारकीहोली को जिताने की जरूरत है। सभी वकीलों ने भी कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने की बात कही। श्रीनगर के इजलास में भी जबकि तपती धूप में आवाम बैठी रही, सतीश जारकीहोली ने इस वक्त साबिक एमएलए फिरोज सेठ के तरक्याती कामों का जिक्र करते हुए कहा कि जनाब फिरोज सेठ ने कांग्रेस हुकूमत में काफी कामों को अंजाम दिया। श्रीनगर की कॉलोनी को भी इसी दौर में मुकम्मल किया गया, जिसमें गरीब के लिए छत का इंतजाम किया गया। इस वक्त मुफ्ती मंजूर साहब ने सतीश जारकीहोली की गुलपोशी फरमाई और दिगर मेहमान ने जनाब फिरोज सेठ, राजू सेठ की भी तमाम मोहल्ले वालों की जानिब से गुलपोशी, शालपोशी फरमाई गई। बेलगाम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकीहोली को हिमायत हासिल होती तस्वीर दिखाई दे रही है। लिहाजा क्या इस बार मंगला अंगड़ी को हराकर कांग्रेस जीत दर्ज कर पाएगी? ऐसी बहस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है, पर इसके नतीजे तो 2 तारीख को ही आने हैं। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस मुख्तसर बात ये करना है कि पिछले 20 साल से जो है यहाँ पे बीजेपी की सीटी है, जो 4 मरतबा बीजेपी के हक में चली गई है। बस एक अजीज़ाना गुजारिश ये है,
कि इस बार जो है सतीश अन्ना जारकीवाड़ी को यहाँ पे हमें जिताना है, अपने कीमती से कीमती वोट देकर उनको जिताना है और कांग्रेस को जिताना है। कांग्रेस को इसलिए जिताना है कि यहाँ से ऊपर तक जो कि दिल्ली के आज हालात हैं, वो हालात को कंट्रोल में लाने के लिए ऐसे लीडरों की सख्त ज़रूरत है। तो बस इतनी बात करके ख़त्म करता हूँ। बाकी सेठ साहब जो बोला है, अच्छे दिन आएंगे, हम अब तक इंतज़ार में हैं, कभी आने वाला है अच्छे दिन, इसको हम ढूंढ रहे हैं। आने के बाद तो 24 में आने वाला है, ये सिर्फ उसका ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, ये सिर्फ वार्निंग है। उसको अगर लोगों के खिलाफ कोई सरकार काम जो करेगा उसके लिए ये वार्निंग है, बेलगाम पार्लियामेंट्री बाई इलेक्शन, जो भी सरकार है उनका काम है लोगों को बचाना है, कोई धर्म जात किसान मजदूर किसको बचाने का काम करने का उसका ड्यूटी होता है। मगर आज जो ये चल रहा है मोदी जी का सरकार, इसका कोई दिशा नहीं है, इसका कोई कानून नहीं, अंदाज नहीं है, इसके लिए इसको रोकना जरूरी है। बहुत लोगों ने इस देश में हुकूमत किया है, बहुत लोगों ने किया है, मगर भारत भारत ही रहा है, उसको कोई बदल नहीं सका है, कोई नहीं बदल सका है। ब्रिटिश लोग, ईस्ट इंडिया, मुगल, बहुत लोगों ने हुकूमत चलाई, मगर उनका कोई स्ट्रक्चर आ गया है, उनका भाषा आ गया है, कुछ आ गया, मगर भारत भारत रहा है। इसके लिए हमको बचाने के लिए चुनाव बहुत ज़रूरी है, और खास करके महंगाई तो असर तो शायद हुआ होगा आप लोगों का, महंगाई नहीं हुआ है, हुआ है, महंगाई का कोई रोकने का तो नाम नहीं ले रहा है। 50 पैसा आज 50 पैसा जैसा शेयर मार्केट में बढ़ता है ना रोज़ सुबह, ऐसे हो रहा है। यही हमारा गवर्नमेंट है, अगर कुछ 50 पैसे ज़्यादा हो तो सब लोग सड़क पे आते थे सिलेंडर लेके, इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया। सो इसके लिए उसको एक सबक सिखाने के लिए सही मौका है सबके लिए, खास करके बेलगाम पार्लियामेंट कांग्रेस का ही है। अगर उसका वोट का पैटर्न हम देखने के बाद, ये कांग्रेस का ही है। हमारे लोगों ने कुछ मोदी जी का भाषण के भड़काव में वो उधर चला गया, कुछ दाढ़ी वाला कुछ चर्चा करेंगे हमारा, हाँ कुछ नहीं किया है हमारे लोग, है उधर कोई उनका को लोग नहीं है, इतना उनका वोट बैंक ही नहीं है बेलगाम में, भाजपा का उतना वोट बैंक ही नहीं है। हमारे लोग ओबीसी एससी एसटी लोग शायद अच्छा करेंगे भारत के लिए, इसके लिए लोग गए थे, मगर अब समझ में आ गए, पेट्रोल डीजल गैस खाने का तेल 90 से 180 हो गया है, शायद चिकन बंद हुआ होगा पकेंगे नहीं ना बगैर ऑयल से, चिकन भी महंगा हो गया है, दाल तो डबल हो गया है। तो यह हल कर दिया है मोदी और शाह ने मिलके, और इसको रोकना है, ये रोकने के लिए आपका एक ही वोट रोक सकता है। आप समझ गए होंगे, नहीं मेरा ये क्या करेगा, कुछ भी करेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोच के नहीं हमको मत का अधिकार दिया है, सबके लिए एक ही है। अगर आप मिलके सब एकजुट हो गया, मोदी जैसा 100 सरकार गिर सकते हैं उसमें कोई, इसके लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना पड़ेंगे आप लोगों को। जनाब सतीश जारकीवाड़ी साहब तो एम कॉमेडी के MLA हैं, और जब उन्हें पूछा गया कि आप पार्टी से बैठी है तो उन्होंने कहा कि मैं MLA हूँ
मैं यहीं पे खुश हूँ, मैं राज्य में ही काम करूँगा। लेकिन हम सब ने, पार्टी ने, फिरोज भाई ने, सभी ने जाके उनसे दरख्वास्त की कि हमें बेलगाम से एक मजबूत और अच्छे लीडर की ज़रूरत है जो जाके दिल्ली में हमारी बात कर सके। बहुत ही गुजारिश के बाद में उन्होंने इस बात को मान ली। अब जब उन्होंने बात मान ली तो हमारा फर्ज बनता है कि चुनाव में हम उन्हें जिता के लाए, उन्हें कुछ पैसों की कमी नहीं है, क्या उनको ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है, बेलगाम जिले में हो या पूरे राज्य में हो, हर कोने कोने में उनको बच्चा बच्चा जानता है। ज़रूरत उन्हें इस पोस्ट की नहीं थी, ज़रूरत हमें उनकी है कि हमारे बात करने वाले, हमारे ज़िले के बात करने वाले, हमारे राज्य के बारे में बात करने वाले कोई एक ऐसा इंसान हो जो दिल्ली में आँख मिला के बात कर सके। जैसे इनका नाम आया है तो अपोजिशन पार्टीज पहले बैकफुट पे चले गए हैं, पहले उन्हें हार की महसूस हो रही है। मेरी सभी जमातों से, सभी यंग कमेटियों से यही गुजारिश है कि सुबह 17 तारीख को अपने अपने आईडी लेके पोलिंग बूथ जाएं और वोट करें। पहले आप और अपने और अपने घर के लोगों के वोट करें, फिर अपने मोहल्ले में जो बचते हैं, जो हमेशा जो बच्चे हमारे काम करते हैं, जो मोहल्ले में जो बचते हैं वो रिक्शा लेके उनको वोटिंग पोलिंग बूथ तक पहुंचाएं, उनको वोट करवाएं। ये बहुत अहम ज़रूरी है। आज ये पूरे हिंदुस्तान की नज़र आज बेलगाम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी पे पड़ी है। सुबह शाम न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, हर जगह हम देख रहे हैं, कोरोना आता है तो कोई जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, कोई कुछ करता है तो किसी के नाम पे सौंप दिया जाता है। इतनी तो गिर गई है इनकी सियासत कि अब लोगों के लिबास तक की वो बात करने लग गए हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे। तो जब सोच का दिवालिया निकल जाता है, बैंकरप्ट हो जाती है सोच, तो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना, उंगली उठाना, टीका करना, ये काम शुरू करते हैं लोग, क्योंकि खुद का तो कुछ होता नहीं है, खुद बैंकरप्ट होते हैं। हमें क्या करना है, हमें उतना ही सोचना है। आज सब हर बात का जवाब देना और देने का वक्त किसी के पास भी नहीं है। जो हमारे पास एक हक है और अगर उसको आप बचा के रखना चाहते हैं, अगर बचा के रखना चाहते हैं, वो एक ही हक है आपके पास कि आप 5 साल में एक बार एक अपना वोट दे सकते हैं, जो मर्जी जिसको आपको देना है।